हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेडी हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो गैसोलीन मतलब पेट्रोल में एक कॉमनली यूज़ की जाने वाली टर्म है। देखते हैं गैसोलीन या क्रैकिंग से हम क्या समझते हैं। क्रैकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो क्रूड ऑयल अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जब क्रूड ऑयल आप ऑब्टेन करते हैं तो क्रूड ऑयल को आप डिस्टिल करते हैं और डिस्टिल करके क्रूड ऑयल में रिप्रेजेंट डिफरेंट फ्रैक्शन हैं उनको सेपरेट करते हैं। एक फ्रैक्शन जो सेपरेट करते हैं उसको हम गैसोलीन कहते हैं। गैसोलीन जो कि 40 से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक की फ्रैक्शन में पाया जाता है, उस गैसोलीन को पेट्रोल भी कहते हैं। पर जो गैसोलीन हम ऑब्टेन करते हैं क्रूड ऑयल से, वो बहुत कम अमाउंट में ऑब्टेन करते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑब्टेन करते हैं क्रूड पेट्रोल ऑयल। जो क्रूड ऑयल है उसका अप्रॉक्सीमेटली 20% ही गैसोलीन होता है। पर सबसे ज़्यादा डिमांड जो गैसोलीन की वर्ल्ड में होती है वो गैसोलीन ही है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है वर्ल्ड में। तो जो हम क्रूड ऑयल से ऑब्टेन करते हैं गैसोलीन, वो रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं कर पाते कई बार। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हाई फ्रैक्शन के जो ऑयल थे, जो हैवी ऑयल में ऑब्टेन किए थे, उसको भी हम क्रैकिंग करके, क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हायर नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर वोलेटाइल मॉलिक्यूल। आई रिपीट अगेन, क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हायर वोलेटाइल मॉलिक्यूल, हायर नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल इनटू लोअर वोलेटाइल मॉलिक्यूल। इन दिस प्रोसेस वी ट्राई टू ऑब्टेन पेट्रोल फ्रॉम द हैवी ऑयल फ्रैक्शन, इसको हम क्रैकिंग कहते हैं। तो क्रैकिंग हम करने का जो हमारा लक्ष्य है वो इसलिए ये है क्योंकि जो पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं वो पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। ओनली 20% तक ही पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं क्रूड ऑयल से। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम हैवी ऑयल जो ऑब्टेन करते हैं रिफाइनिंग में, उसको भी क्रैकिंग द्वारा पेट्रोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक रीज़न है क्यों हम करते हैं। दूसरा, जो हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोल डायरेक्ट क्रूड ऑयल से, वो मेनली स्ट्रेट चेन कंटेन करता है। तो उसकी जो आप कह सकते हैं उसकी जो उसकी क्वालिटी होती है पेट्रोल की, वो इतनी बेटर नहीं होती जितनी बेटर कि हमें अपने ऑटोमोबाइल में रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए भी हमारा सेकेंड रीज़न ये है कि हम हैवी ऑयल को क्रैक करते हैं और क्रैक करके ऐसा पेट्रोल ऑयल का फ्रैक्शन ऑब्टेन करते हैं जो अच्छी क्वालिटी का हो। और वो अच्छी क्वालिटी का जो फ्रैक्शन वो होता है मेनली जो ए साइक्लिक हो, जो एरोमेटिक कंटेन करता हो पार्ट, जो कि चेन पार्ट चेन स्ट्रक्चर कंटेन करता हो। पर जो हमारे पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं हम क्रूड पेट्रोल से, जो पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं आफ्टर प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, वो मेनली स्ट्रेट चेन कंटेन करता है, इसलिए उसकी क्वालिटी लेस होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग इज ए ब्रेकिंग ऑफ ए लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, ए स्मॉलर वोलेटाइल मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस होती है क्रैकिंग की, ये तीन तरीके से की जाती है। एक उसको हम बोलते हैं हाइड्रो क्रैकिंग, जहाँ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आप एरोमेटिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हैवी ऑयल हैवी कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। और दूसरा जो है वो है थर्मोक्रैकिंग। थर्मोक्रैकिंग में आप टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में हैवी ऑयल फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं स्मॉल ऑयल फ्रैक्शन टू गेट द पेट्रोल। थर्ड जो ऑप्शन है वो कहलाती है कैटलिटिक क्रैकिंग। कैटलिटिक क्रैकिंग जो है ये वो प्रोसेस है जहाँ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, आपके पास कैटलिस्ट होते हैं उसकी प्रेजेंस में और सुटेबल टेम्परेचर और सुटेबल प्रेशर की प्रेजेंस में आप हैवी ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इन तीनों प्रोसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखें आइए कैसे। तो क्रैकिंग तीन प्रकार की होती है। एक हाइड्रो क्रैकिंग, दूसरी थर्मो क्रैकिंग, तीसरी कैटलिटिक क्रैकिंग। कैटलिटिक क्रैकिंग फर्स्ट, हाइड्रो क्रैकिंग इज ए क्रैकिंग इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक जियोलाइट। बाकी को मिटा देता हूं। तो तीन मेन कैटेगरी है, हाइड्रो क्रैकिंग, थर्मो क्रैकिंग एंड कैटलिटिक क्रैकिंग। अगर मैं बाकी मिटा के एक एक मैं एम्फसाइज करूं तो हाइड्रो क्रैकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक जियोलाइट टू गिव यू स्मॉलर मॉलिक्यूल। और जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मेनली सैचुरेटेड,
mainly saturated. They are not aromatic in nature. They are not aromatic in nature. They are not aromatic in nature. They are mainly saturated compound. एंड जो आपके पास कैटलिस्ट है जियोलाइट, ये कैटलिस्ट जो है हाइड्रोजनेशन के साथ साथ आपके हैवी ऑयल को हाइड्रोनेट तो करता है, आपके हैवी ऑयल को हाइड्रोजनेशन करने के साथ साथ उनको तोड़ता भी है, तो तोड़ के स्मॉल फ्रैक्शन देता है, पर जो स्मॉल फ्रैक्शन बनते हैं दे आर मेनली सैचुरेटेड, इसलिए जो हाइड्रोक्रैकिंग होती है इससे जो पेट्रोल बनता है उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, और इसलिए ये जो हाइड्रोक्रैकिंग से जो ऑब्टेन पेट्रोल होता है उसको फर्दर आप क्रैकिंग कर सकते हैं विद थर्मोक्रैकिंग और विद कैटलिटिक क्रैकिंग. तो ये एक वन ऑफ द प्रोसेस है. थर्मोक्रैकिंग की जाती है हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 475 से लेके 550 डिग्री तक टेम्परेचर होता है एंड हाई प्रेशर. प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली होता है इसका 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है ये प्रेशर होता है. इसमें आप हैवी ऑयल फ्रैक्शन को हीट करते हैं टू ऑब्टेन स्मॉल फ्रैक्शंस. मॉलिक्यूल वो जो स्मॉल फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल होते हैं वो के दे कैन गो अप टू मिथेन इवन और दे कैन गो अप टू इवन कोक फॉर्मेशन. They can go up to methane formation, they can go up to the coke formation. तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो temperature dependent cracking होती है वो होती है very high temperature पर, high pressure पर होती है, पर ये जो temperature dependent cracking होती है इसमें जो आपके product बनते हैं small molecule जो बनते हैं वो ये mainly जो process होती है temperature thermocracking, ये होती है radical based process. इसमें radical generate होते हैं और radical generate होने के बाद जो small fraction बनते हैं वो they can go even up to कार्बन चेन कंटेनिंग 1 and 2 कार्बन. मतलब अगर इस क्रैकिंग द्वारा आप जो कार्बन की जो लेंथ ऑप्टेन करेंगे वो 2 से 3 कार्बन तक, इतनी छोटी चेन तक भी ऑप्टेन कर सकते हैं और वो फर्दर भी आगे छोटी और हो सक होकर मिथेन तक जा सकती है और मिथेन से फिर हो और आगे डिकम्पोज होकर कोक तक बना देती है. तो ये कोक बनने का एक मेन प्रॉब्लम है जो कोक बनती है विद थर्मो क्रैकिंग प्रोसेस. ये जो क्रैकिंग प्रोसेस होती है इस क्रैकिंग प्रोसेस में जो आपके जो पेट्रोल बनता है वो पेट्रोल जो होता है वो मेनली स्मॉलर होता है और इस क्रैकिंग प्रोसेस में जो आपके आइसोमराइज प्रोडक्ट जो प्रोसेस होती है आइसोमराइजेशन की, क्योंकि वंस रेडिकल इज फॉर्म्ड रेडिकल कैन आइसोमराइज और रेडिकल कैन कंबाइन. इस प्रोसेस में जो आइसोमराइजेशन की जो रेशियो जो प्रोडक्ट रेशियो आइसोमराइजेशन का वो बहुत कम होता है, इसलिए जो इसको पेट्रोल बनता है इस प्रोसेस द्वारा थर्मो क्रैकिंग द्वारा जो पेट्रोल बनता है वो भी लो क्वालिटी का होता है और वो स्मॉल फ्रैक्शन कंटेन करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल कंटेन करता है, लो क्वालिटी का होता है, जिसकी ऑक्टेन नंबर एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी बेसिस पर आप किसी ऑयल को क्लासिफाई कर सकते हैं. एक अच्छा ऑयल पेट्रोल वो होगा जिसकी हाई ऑक्टेन नंबर वैल्यू होती है. ऑक्टेन नंबर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है, पर जिसकी हाई ऑक्टेन नंबर वैल्यू होती है वो एक अच्छा पेट्रोल होता है. पर जो आप थर्मोक्रैकिंग से पेट्रोल ऑप्टेन करते हैं उनकी ऑक्टेन नंबर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 उसकी वैल्यू होती है. एक अच्छा ऑक्टेन नंबर जिसका होगा पेट्रोल का वो अच्छा फ्यूल कहलाता है. पर ये जो फ्यूल होते हैं ये मीडियम रेंज के ऑप्टेन करते हैं आप थर्मोक्रैकिंग में और उसकी वैल्यू होती है 60 से 70 ऑक्टेन नंबर. और उसके अलावा थर्मोक्रैकिंग प्रोसेस में जो परसेंटेज ईल्ड ऑप्टेन करते हैं पेट्रोल की इस प्रोसेस द्वारा वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 50 to 60%. तो परसेंटेज ईल्ड इस प्रोसेस से आप ऑब्टेन करते हैं पेट्रोल 50 to 60%. और जो पेट्रोल आप ऑब्टेन करते हैं उसकी ऑक्टेन वैल्यू जो होती है ऑक्टेन नंबर एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आप पेट्रोल की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं. हायर इज द ऑक्टेन नंबर, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसको अलग टर्म्स अलग लेक्चर में. हायर इज द ऑक्टेन नंबर, हायर इज द पेट्रोल क्वालिटी.
तो ऑक्टेन नंबर जो है आपका इस केस में 60 से 70 उसकी वैल्यू होती है जो आप थर्मोक्रैकिंग से ऑप्टेन करते हैं, ऑप्टेन नंबर उसकी वैल्यू इतनी होती है। और जो बात आपको नोट करनी है वो ये है कि थर्मोक्रैकिंग द्वारा जो प्रोसेस के द्वारा जो पेट्रोल बनता है वो मेनली रेडिकल प्रोसेस से बनता है। आइए देखते हैं रेडिकल प्रोसेस कैसी होती है। मान लीजिए जब क्रैकिंग कर रहे हैं इथेन की, CH3 इथेन है, इथेन को आप हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर तो जनरेट कर देगा दो रेडिकल, दो मिथेन रेडिकल्स। इस स्टेप को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप, उसको मान सकते हैं, और इस स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन। यहाँ रेडिकल प्रोसेस इनिशिएट हो रही है तो उसको हम कहते हैं इनिशिएशन प्रोसेस। इसको हम कहते हैं इनिशिएशन प्रोसेस, और इनिशिएशन प्रोसेस द्वारा यू गेट टू मिथाइल रेडिकल, जो आपके दो मिथाइल रेडिकल बन चुके हैं। अब ये मिथाइल रेडिकल फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं किसी इथेन मॉलिक्यूल से। अगेन अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल दोबारा लिख दूं यहाँ, क्योंकि मिथाइल रेडिकल उससे रिएक्ट होकर एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आपको दे सकते हैं इथाइल रेडिकल, CH2 रेडिकल प्लस मिथेन गैस। ये इथाइल रेडिकल कैन फर्दर रिएक्ट विद सम रेडिकल, इट कैन फर्दर रिएक्ट विद मिथाइल रेडिकल टू शो द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दिस प्रोटॉन एंड गिव यू इथीन प्लस अगेन मिथेन। इस प्रोसेस को हम प्रोपेगेशन कहते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है प्रोपेगेशन। और प्रोपेगेशन द्वारा वी गेटिंग मिथेन गैस, प्रोपेगेशन द्वारा वी गेटिंग इथाइल रेडिकल, वी गेटिंग इथीन गैस इन दिस प्रोसेस। तो इथीन तक बन जाएगी, और आपने जो मिथेन लिखा है ये मिथेन भी फर्दर डिग्रेडेशन शो करके आपको कोक दे सकता है। कोक इज दी इज द फॉर्म विच कंटेन ओनली कार्बन, तो इट कैन गिव यू कोक इवन बाय फर्दर डिग्रेडेशन प्रोसेस। ये दो प्रोसेस है, एक है इनिशिएशन और इस सेकेंड स्टेप को हम बोलते हैं, ये सेकेंड स्टेप है, इसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट मतलब चेन लेंथनिंग, प्रोपेगेशन। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप प्रोपेगेशन। और थर्ड स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप है रेडिकल प्रोसेस की रेडिकल प्रोसेस की क्रैकिंग का, वो कहता है टर्मिनेशन प्रोसेस, जहां कोई भी दो रेडिकल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। Termination is a process where two radical react to give it one non, मतलब uncharged non radical species, to be getting non radical species from the combination of two radicals to give us one neutral species. It is called the termination process. तो ये thermocracking की process थी। thermocracking की process मुझे actually दो तरह की होती है। एक थर्मोक्रैकिंग प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं लिक्विड फेज थर्मोक्रैकिंग प्रोसेस,
एक थर्मोक्रैकिंग होती है वो कहलाती है लिक्विड फेज, लिक्विड थर्मोक्रैकिंग। एक होती है वेपर फेज, वेपर फेज थर्मोक्रैकिंग। अभी जब हमने डिस्कस किया वो लिक्विड फेज थर्मोक्रैकिंग था, जहां आप लिक्विड ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 550 डिग्री टेम्परेचर है, 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर की भी उसका जो है प्रेशर है, और उसको आप प्रोसेस को आप देख रहे हैं कैसे बनती है, पर उसमें जो ईल्ड आती है वो कम आती है, ईल्ड आती है 50 से 60%, और ऑक्टेन वैल्यू जो होती है वो 60 से 70 उसकी वैल्यू होती है। अब वेपर फेज थर्मोक्रैकिंग क्या होती है, एज द नेम इंडिकेट वेपर फेज थर्मोक्रैकिंग। इस प्रोसेस में आपको अपने ऑयल को पहले वेपराइज करना होता है, और वेपराइज करके उसको आपको हीट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम करते हैं, वेपर फेज को हम करते हैं स्लाइटली हाई टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली 600 डिग्री पे इसको हम हीट करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं वेपर फेज थर्मोक्रैकिंग को। और जो प्रेशर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 10 से लेकर 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो इसको प्रेशर होता है वो इतना होता है, जिसको हम करते हैं 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम प्रेशर में हीट करते हैं, प्रेशर डालते हैं इस प्रोसेस के अंदर। इस प्रोसेस का जो मेन जो एडवांटेज ये है कि इस प्रोसेस में जो आपको पेट्रोल मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, जो पेट्रोल मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं इस प्रोसेस द्वारा जब आप वेपर को फीस हीट करते हैं। और दूसरा पर एक लॉस ये है कि वो लेस स्टेबल होते हैं, दे आर लेस स्टेबल जो पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं वो क्वालिटी तो उसकी हाई होती है, और कंटेन मोर ऑफ एरोमेटिक पार्ट, और ये कंटेन मोर ऑफ एरोमेटिक पार्ट, मोर ऑफ एरोमेटिक पार्ट इन द पेट्रोल कंपोनेंट। तो वेपर फेज हो गई, तो वेपर फेज को आप वेपर फेज में करते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है, यील्ड बेटर होती है, एरोमेटिक कंपोनेंट ज़्यादा होता है, और आपके जो जो कंपाउंड बनते हैं पेट्रोल के अंदर वो कंपाउंड जो बनते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। ये वेपर फेज थी, तो लिक्विड फेज प्लस वेपर फेज ये थर्मोक्रैकिंग थी। और थर्मोक्रैकिंग का जो मैकेनिज्म था इथेन के लिए वो भी हमने डिस्कस किया था। अब इथेन के लिए मैकेनिज्म डिस्कस करने के बाद मैं वही थर्मोक्रैकिंग का प्रोसेस, क्योंकि जो थर्मोक्रैकिंग होती है वो रेडिकल प्रोसेस होती है। अब थर्मोक्रैकिंग का प्रोसेस अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोपेन के लिए, थर्मोक्रैकिंग ऑफ प्रोपेन, वेदर यू डूइंग दिस इन लिक्विड फेज और वेदर यू डूइंग दिस इन ए वेपर फेज। जब आप प्रोपेन लेते हैं उसको आप हीट करते हैं तो प्रोपेन आपको दो रेडिकल दे सकता है, प्लस मिथाइल रेडिकल, तो वी हैव इथाइल रेडिकल, वी हैव इथाइल रेडिकल प्लस मिथाइल रेडिकल। ये इथाइल रेडिकल ये फर्स्ट स्टेप है, अगेन ये फर्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में आपके रेडिकल जनरेट होते हैं। ये सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में वो रेडिकल जो जनरेट हुए हैं वो फर्दर रिएक्ट करते हैं। तो आपके जो रेडिकल हैं, जैसे कि ये प्रोपेन रेडिकल है, तो दो प्रोपाइल रेडिकल रिएक्ट करके आपको ब्यूटेन दे सकते हैं, या एक प्रोपाइल रेडिकल रिएक्ट कर सकता है मिथाइल रेडिकल से, और यहां से और वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है प्रोपाइल रेडिकल से, और एब्स्ट्रैक्ट करके आपको दे सकता है CH2 प्लस मिथेन, राइट? तो यू कैन गेट प्रोपीन फ्रॉम दिस, यू कैन गेट प्रोपीन फ्रॉम दिस। या जो आपके ऊपर प्रोपेन से ब्यूटेन बना है वो मिथाइल रेडिकल से रिएक्ट करके आपको दे सकता है ब्यूटाइल रेडिकल,
प्लस मीथेन एंड दिस प्रोपेगेशन विल कंटिन्यू एज सच। और ये प्रोपेगेशन ऐसे ही कंटिन्यू हो सकती है आगे भी, मीथेन से प्रोपेन तक, प्रोपेन से ब्यूटेन तक। तो आप यहाँ मीथेन से ब्यूटेन तक बना सकते हैं, ब्यूटेन बना आपके पास, और ब्यूटेन से वो ब्यूटेन बन सकता है। तो ये ब्यूटेन बना है आपका, इसको आगे दिखा दें एक बार। तो ब्यूटेन रेडिकल बनने के बाद जो ब्यूटेन रेडिकल बना है, ब्यूटेन रेडिकल कैन फर्दर रिएक्ट विद मीथेन, मिथाइल रेडिकल सॉरी, टू गिव यू, अगर प्रोटॉन यहां से एक्सट्रैक्ट हो जाए तो ये आपको दे देगा CH3 CH2 CH CH2 प्लस मिथेन, तो इट विल बी कॉल्ड 1-butene। ओके, सो ये 1-butene, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे स्टेप्स हो सकते हैं आपके प्रोपेगेशन में, कैसे कैसे डिफरेंट रिएक्शंस हो सकती है, एक रेडिकल कितनी तरह की रिएक्शन कर सकता है। अब यही ये जो ब्यूटीन है, 1-butene, आगे अगेन डीहाइड्रोजनेशन शो करके रेडिकल प्रोसेस द्वारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पहले यहाँ से फिर यहाँ से। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद ये ब्यूटीन आपको बीटोडाइन भी दे सकता है। आप इससे ब्यूटाडाइन भी ऑप्टेन कर सकते हैं। तो कैसे एक सिंपल रिएक्शन से आप चेन रिएक्शन टाइप की रिएक्शंस ऑप्टेन कर लेते हैं। कहाँ हम स्टार्ट हुए थे, प्रोपेन से, प्रोपेन से ब्यूटेन, और कैसे बढ़ते बढ़ते डिफरेंट अपने कैटेगरी के कंपाउंड ने ऑप्टेन कर लिए। तो ये आपके पास ये बन गया आपके पास कंपाउंड ब्यूटेन, ब्यूटाडाइन इसको बोलते हैं, 1,3-butadiene। आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि जिस तरह का भी प्रोडक्ट बनेगा आपके पेट्रोल में आफ्टर रेडिकल प्रोसेस द्वारा, ये वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपोजर ऑफ टाइम कितना है, कितने देर में आप उसको कितनी देर तक आप उस मिक्सचर को आप हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा ये भी डिपेंड करेगा कि जो आपके जो हैवी ऑयल था जिसको आप हीट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो किस तरह के फ्रैगमेंट कंटेन करता है। तो वो जो उसके बेसिस पर ही जो कंपाउंड बनेंगे वो उसके बेसिस पे ही बनेंगे कि आपका मिक्सचर किस तरह का था जो आपने हैवी ऑयल लिया था, और दूसरा फोटोवोल्टिक एक्सपोजर टाइम। तो ब्यूटाडाइन तक बन सकता है। इसलिए हायर इज द एक्सपोजर टाइम, हायर इज द एक्सपोजर टाइम टू द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। तो इसी प्रोसेस द्वारा हम जो है देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल कंपाउंड ब्यूटाडाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है। मैं इसको और सिंपलीफाई कर दूं ताकि आप इसको समझ पाएं। तो ये फ्रैक्शन कहाँ से आया था, ये फ्रैक्शन है हमारा ब्यूटाडाइन CH2 CH CH CH2, और ये इथीन है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कैसे इथीन तक के फ्रैक्शन बन सकते हैं और कैसे ब्यूटाडाइन के फ्रैक्शन बन सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्ट करके, ये अगर दोनों रिएक्ट कर जाएं तो ये साइक्लाइज हो सकते हैं। साइक्लाइज होकर आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट दे सकते हैं, और साइक्लिक प्रोडक्ट आपको इस टाइप का मिलेगा, ये है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। और फर्दर साइक्लोहेक्सीन किसी रेडिकल की प्रेजेंस में, कोई भी रेडिकल की प्रेजेंस में रहकर ये यहाँ से फिर यहाँ से या कहीं से प्रोटॉन अपने एब्स्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके आपको बेंजीन स्ट्रक्चर दे सकता है। मतलब कैसे आप एक एलिफैटिक स्ट्रक्चर से एरोमेटिक स्ट्रक्चर तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी आप इस प्रोसेस द्वारा देख सकते हैं। तो कैसे आपने देखा कि हम एसाइक्लिक सिस्टम से स्टार्ट हुए थे, एसाइक्लिक से स्टार्ट होकर एथीन ऑब्टेन किया, एथीन से ऑब्टेन करके हमने ब्यूटाडाइन ऑब्टेन किया, और रेडिकल प्रोसेस द्वारा, और रेडिकल प्रोसेस में साइक्लाइज हो गए, साइक्लाइज होकर ये आपको साइक्लोहेक्सीन मिल गया, और साइक्लोहेक्सीन भी अगर रेडिकल के प्रेजेंस में रहेगा तो प्रोटॉन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते, प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होकर ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर प्रोटॉन का रिमूवल यहाँ से होगा,
यहाँ से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस जाएगा और वो होने के बाद आपके पास एक एलिफैटिक सिस्टम से यू मे इवन गेट एरोमेटिक सिस्टम। तो ये है थर्मोक्रैकिंग। तो थर्मोक्रैकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हायर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। थर्मोक्रैकिंग गिव यू पेट्रोल विच इज नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी एंड इन वन ड्रॉबैक विद थर्मोक्रैकिंग इज दैट यील्ड इज लेस एंड थर्मोक्रैकिंग यू शुड नो इज दैट थर्मोक्रैकिंग प्रोसेस इज ए प्रोसेस वेयर रेडिकल रिएक्शन अकर्स एंड इन दिस प्रोसेस यू ऑब्टेन इवन द कोक फॉर्मेशन यू इवन ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ कोक। सो और कोक के साथ साथ आप यहाँ पे इथीन का बनना भी ऑब्जर्व करते हैं और इथीन जो है वो इथीन की एक टेंडेंसी है कि इथीन जो है मैं इसको मिटा दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। मैं जल्दी इसको फिर वाइंड अप करता हूँ इसको इस टॉपिक को। और इथीन जो है जब बनेगा रेडिकल प्रोसेस द्वारा इथीन के मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट टू गिव यू ए पॉलीमर विच इज कॉल्ड पॉलीथीन टाइप कंपाउंड। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में बी फाउंड विच विल बी वेरी स्टिकी। तो यू ऑब्टेन ए स्टिकी सॉलिड इन केस ऑफ थर्मोक्रैकिंग प्रोसेस बट इन थर्मोक्रैकिंग प्रोसेस यू कैन इवन गो अप टू ए कोक or you go up to an aromatic system like benzene or even higher aromatic system. So I stop here. The last process which is called the vapor phase which is called the catalytic thermocracking catalytic cracking process I will discuss in next class.